वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज सैटरडे का दिन था और मैंने सोचा था कि आज मैं डेफिनेटली व्लॉग करूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे डे इन माई लाइफ व्लॉग नहीं किया था एंड आज का जो दिन होने वाला था वो काफ़ी चिल सा डे होने वाला था। और मेरी सुबह काफ़ी देर से हुई थी क्योंकि पिछली रात मैं बहुत देर तक ऑफिस का काम कर रही थी एंड लेट हो गया था सोने में। एंड क्योंकि सैटरडेज है ना तो यूजली मैं थोड़ा ज़्यादा सो जाती हूँ सुबह सुबह क्योंकि वैसे तो जल्दी ही उठना पड़ता है। ना द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि चिराग से मुझे आदत डली हुई है, उठते ही ना पर्दे खोल दो वरना आपकी नींद खुलती ही नहीं है, एंड बेड बना के रख दो सो दैट यू नो फर्स्ट टास्क ऑफ द डे इज़ डन। तो अब मेरी आदत में हो गया है उठ के ब्रश वगैरह करके क्लीनिंग वगैरह करना है। एंड आज मैं हेयर ऑयलिंग भी कर रही थी क्योंकि मेरे बाल काफ़ी झाड़ू जैसे हो गए और ये मानसून सीजन में ना काफ़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं मेरे बाल। तो अभी मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ जो कि मेरे बालों में अच्छा सूट कर रहा है, जो कि मैं आपके साथ जल्दी जल्दी से शेयर करूँगी। उसके बाद कल जो कपड़े धोए थे वो सोचा कि रख देती हूँ कबर्ट में। बहुत जंग जैसा फील होता है मुझे मेरे कबर्ट में कपड़े रखना क्योंकि वो गिर जाते हैं एंड स्टफ़ हो जाते हैं। उसके बाद पूरे रूम की क्लीनिंग की, लिविंग रूम में सब कुछ क्लीन किया मैंने। सो अगेन ना ये मेरी रूटीन का पार्ट है कि सुबह उठ के साफ़ सफ़ाई करके रख देनी है, सारा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं सो दैट मैं पूरे दिन भर के लिए फ्री हो जाऊं। तो बस यही होता है। एंड ये जो कुशन कवर्स है ना ये थोड़े मिसमैच से आ गए थे, मुझे इसे चेंज करना है। इनफैक्ट मुझे पूरा इंटीरियर ऐसे मन करता है मैं चेंज कर डालूं पूरा पिंटरेस्टी एस्थेटिक से कर डालूं, बट मैं नहीं करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा सामान है एंड हम लोग यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहने वाले हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो अभी जाने दो, थोड़ा टाइम देते हैं व्हेन वी विल मूव। उसके बाद देन ब्रेकफास्ट की बारी आई। सो एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच हो चुका था, काफ़ी लेट हो गया था और चिराग को इडली खाने का काफ़ी मन था। उनको जो फ्राइड वाली इडली होती है ना वो बहुत पसंद है, तो मैंने ये आईडी का इडली डोसा वाला बैटर मंगवा के रखा था जो कि काफ़ी ईजी होता है। पूरा बैटर बस पोर करो और उसमें थोड़ा सा नमक आपको डालना होता है। तैयार हो गई थी एंड मैंने इसको फटाफट से डीमोल कर दिया फास्ट फॉरवर्ड में। काफ़ी अच्छी बनी थी वैसे, जितनी फूलनी चाहिए थी उतनी नहीं फूली टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने इसको फटाफट से फ्राई कर दिया एंड फिर हम लोगों ने लंच की ब्रंच की शुरुआत कर दी, खा लिया इसको। अच्छी खासी फिलिंग होती है वैसे ये तो काफ़ी पेट भर जाता है ना। एवरी टाइम जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि टीवी पे क्या लगाए। अब ऐसा हो गया है कि जब तक तो कुछ शो वगैरह नहीं चलाओ ना तब तक खाना उतरता नहीं है गले से। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ फटाफट क्योंकि 2 घंटे हो चुके थे, 2-3 घंटे मेरे तेल को लगे हुए सर पर। एंड येस आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग शावर। ऑल्सो ना मुझे ना बाहर जाना था आज, तो यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ। क्यों जाना था? क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ना वो इतना ज़्यादा स्लो हो गया है, तो मैंने उसको चेक करवाया था स्टोर पे, तो उसमें बताया गया कि इवन दो इसमें आप कुछ भी नहीं फिल करते हो, लाइक इसमें मेमोरी पूरी खाली है, बट इसकी परफॉर्मेंस फिर भी ऐसे 100% स्टोरेज है वो 100% दिखाती है बिकॉज ऑफ द SSD कार्ड। तो SSD कार्ड चेंज करवाना था। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, क्लाउडी सा हो रखा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ओवरडोज हो गया है बारिश का।
फिर पूजा कर ली, सुबह शाम दोनों ही टाइम पूजा होती है नहाने के बाद। एंड आज थोड़ा लेट हो गया नहाना, तो सुबह की पूजा चिराग ने कर ली थी, मैंने शाम की पूजा कर ली। के बाद हम लोग आ गए ये लिफ्ट में, मैं हमेशा ही लेती हूँ, बाहर आए, काफ़ी अच्छा लगा वॉक करके। सुना हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटिंग हो जाता है, तो बाहर जब भी निकलते काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग आ गए लैपटॉप स्टोर पे, यहाँ पे भैया ने जो SSD कार्ड है ना वो हम लोगों ने ऑनलाइन खरीदा था अमेज़ॉन से, एंड वो अब हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं लैपटॉप में, सो दैट मेरी लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाए। ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा था अपनी मम्मी को। उसके बाद उन्होंने पूरा लैपटॉप खोल डाला एंड उन्होंने SSD कार्ड डाल दिया, एंड करेंटली मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा इशू है ना, तो आप चेक ज़रूर करवाना, हो सकता है आपके लैपटॉप में भी SSD कार्ड वाला प्रॉब्लम हो, सो यू कैन डेफिनेटली गेट इट चेक्ड। ये सब कुछ हो जाने के बाद चिराग को चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था, तो पास में एक टपरी पर हम लोगों ने, एक्चुअली उन्होंने चाय पी, मैं तो चाय नहीं पीती हूँ। अच्छी टपरी का चाय ना जो मज़ा है वो टॉप क्लास है, ऑब्वियसली सेकंड बेस्ट, टॉप फर्स्ट क्लास तो आप लोगों को पता ही होगा चेता के हाथ का। फेल्ट लाइक हैविंग वड़ा पाव, बारिश वाला वड़ा पाव, अलग ही हिट करता है, तो वड़ा पाव खाया एंड देन पाव भाजी खाया। सो बेसिकली घर पे डिनर नहीं बन रहा था, वीकेंड में ना बाहर हो जाता है, लाइक हफ्ते में एक दो बार तो हो जाता है बाहर का, सो ये वीकेंड का डिनर हो गया। देन हमने घर पे आके मूवी शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दी, कुछ फ्रेश सा खाने का मन था तो क्यूकम्बर काट लिया मैंने, खीरा काट लिया, मुझे बहुत पसंद है ये, वन ऑफ माई फेवरेट्स है एंड मैं कितना भी खा सकती हूँ, आई जस्ट टोटली लव इट। ना बहुत सारा टाइम गुजर रहा था कि क्या देखे, ये बड़ी दुविधा हो जाती है कि देखना क्या है एक्चुअली। टीवी तो चला लेते हैं बट पता नहीं होता कि क्या देखे, फिर रिसर्च स्टार्ट हो जाती है रील्स पे कि कौन रील बना रहा है कि मूवी एंड शो रिकमेंडेशन वाली। तो चिराग भाई चेक कर रहे थे कि क्या देखना चाहिए, सो दैट इज़ हिज डिपार्टमेंट, ही ऑलवेज डिसाइड्स कि हम क्या देखेंगे, बिकॉज मैं ज़्यादा मूवी फ्रीक वगैरह नहीं हूँ। एंड मिडनाइट क्रेविंग हो गई तो मैगी एंड सूप हम लोगों ने खाया, उसके बाद डे को वाइंड अप किया, एंड ये रहा मेरा आज का व्लॉग। ये ना काफ़ी स्मॉल सा व्लॉग था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मैं